अखिल भारतीय पंजीकृत आध्यात्मिक एवं समाज सेवी संस्था मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में बिजनौर झालू रोड माता महाकाली मंदिर के सामने सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। सद्भावना सम्मेलन में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए सम्मेलन के मुख्य वक्ता विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज ने कहा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, मानव प्रेम, पारस्परिक सौहार्द तथा भाईचारे की भावना की जागृति के लिए सद्भावना अत्यंत जरूरी है। अध्यात्म को भुलाकर मानव समाज में कटुता, विषमता, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा एवं दुर्भावना बढ़ती जा रही है। मानव हृदय से करुणा, दया, प्रेम, पारस्परिक सौहार्द और भाईचारे की भावना का लोप होता जा रहा है। अध्यात्म ज्ञान के तत्व बोध होने पर ही मानव हृदय में मानवता की भावना की जागृति होगी। देश और मानव के सर्वाधिक विकास के लिए अध्यात्म का क्रियात्मक रूप से जानना अत्यंत आवश्यक है। अध्यात्म की शक्ति से ही मानव का नैतिक और चारित्रिक उत्थान होगा। अध्यात्म की शक्ति से ही हमारा भारत विश्व का गुरु था और अध्यात्म की शक्ति से ही आज भी हमारा देश पुनः विश्व का गुरु बन सकता है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य सद्भावना फैलाना है। हमारा लक्ष्य यह है कि परिवार में सद्भावना हो, व्यक्ति के जीवन में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे नगर में सद्भावना हो, हमारे प्रदेश में सद्भावना और भारत में सद्भावना हो। तो जो हमारे संतों ने सत्य की बात कही, सत्य को आत्मसात करने की बात कही, सद्भावना फैलाने की बात कही, इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। तो ये भावना जो थी, संतों की भावना थी, आज उसी को चरितार्थ करने के लिए हम लोग यहाँ आपके बिजनौर में आए हुए हैं। प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से चलता रहेगा? ये प्रत्येक वर्ष नहीं है, इस समय हमारे आश्रम का लोकार्पण भी था तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर कार्यक्रम भी हमने किया। तो हमारा जो यहाँ पर समुदाय है वो सब लोगों को दर्शन और सत्संग का जो है लाभ प्राप्त हुआ है। महाराज जी, जैसे आप उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, उत्तराखंड में पहला सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहाँ पर बन रहा है? बद्रीनाथ ब्रिज जी, सिग्नेचर ब्रिज पहले राज्य। बद्रीनाथ के अंदर ब्रिज तो बना हुआ है जो अलकनंदा के ऊपर है, पर निश्चित रूप में वहाँ पूरा उसका परिसर जो बन रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी रुचि लेकर के उसको बनवा रहे हैं और पूरी उसमें यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी। आपको पता है कि समय चारधाम यात्रा हमारी बंपर चली है और बहुत ज़्यादा यात्री आए हैं। पिछले वर्ष तो करीब 46 लाख के करीब यात्री आए थे, अब हमारे जो है 65 से ऊपर यात्री चले गए हैं, लाख के करीब चले गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है चारधाम की यात्रा करने आ रहे हैं। हमने पर्यटन क्षेत्र के अंदर ये भी किया है कि शाक्त सर्किट, शैव सर्किट, वैष्णव सर्किट, नवग्रह सर्किट, गोलजू सर्किट और अनेक सर्किट्स बनाए हैं, नवग्रह सर्किट, जिससे कि जिन सर्किट से और भी लोग जो हैं और भी डाइवर्सिफाई हो जाएं और भी स्थानों पर जाएं तो उनको लाभ मिलेगा। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मैं भी स्टार प्रचारक के रूप में मुझे छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला तो 12 सीटों पर मैं गया और अभी मुझे सूचना मिली है कि 12 के 12 जीत रहे हैं, बड़े बंपर मार्जन से जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ सुदूर इलाकों में, जैसे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जब विकास उस तक पहुँचता है तब असली मायने में विकास होता है। तो आज उसी को चरितार्थ करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं है जी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? निश्चित रूप में उसकी रणनीति तो बनाएंगे हमारे अमित शाह जी बनाएंगे, हमारे नड्डा जी बनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी बनाएंगे नीति पर। निश्चित रूप में आपने देखा होगा कि जो राज्य थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि साहब ये विपरीत जाएंगे, आज वो सारी बातें मिथ्या हो गई, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि जनता ने जो चाहा है वही हो रहा है। तो जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि आखिर इतने साल बाद एक पॉजिटिव जो है आउटलुक लेकर के प्रधानमंत्री आया, भारत को सर्वोच्च बनाना चाहता है और जो भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री करते हैं बड़े शान से करते हैं और उसका बड़ा प्रभाव होता है, व्यापक प्रभाव होता है। अभी अभी आपने देखा चंद्रयान के मामले में देखा होगा धारा 370 और आर्टिकल 53A, जिसके बारे में, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में भी रहा हूं तो अक्सर हमें कश्मीरी लोग ये कहते थे अरे हटा के तो देखो कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। आज वो हटाया भी गया, 53A भी हटाया गया, धारा 370 भी हटाई गई,
कहीं कत्लेआम नहीं हुआ। तो ये जो भय था जिससे भारत को पूरा डरा के वो रखते थे, भारतवासी थे वो हमारे पर वो डरा के रखते थे, आज वो सब खत्म हो गया है। और आप देखेंगे कि हमारी दृष्टि समय POKP में लगी हुई है और निश्चित रूप में वो भारत का अभिन्न अंग है और हम चाहेंगे कि भारत का विलय उसमें हो निश्चित रूप में। और मोदी जी के जो काम है वो पूरे दुनिया में लोग सराह रहे हैं उन कामों को, तो निश्चित रूप में उनका नेतृत्व और सबल हो, यही प्रयास हमारा है।